गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम आर डी शर्मा फ्रॉम दिल्ली। आई एम ओनली 68 ईयर यंग। मैं दो मिनट की अपनी स्टोरी से शुरुआत करूंगा और उसके बाद केवल दो मिनट और लेके अपनी कहानी बंद करूंगा। यस। नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिटायर्ड हूँ और लगभग मुझे मैं ऑन ड्यूटी था तो एक इतना क्रॉनिक डायबिटिक हो गया कि मैं कैजुअलिटी में पहुंच गया और दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मुझे जवाब दे दिया कैजुअलिटी के अंदर कहा कि अब पता नहीं क्या पोजीशन है आपकी, क्योंकि मेरा HbA1c था 14.80। कोई डॉक्टर बैठा हो तो सोच नहीं सकता ये आदमी कैसे कराया। अभी तक बहुत क्रॉनिक होते हैं, लीवर लंग्स किडनी वगैरह सब डैमेज हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की कुछ नजर थी, मुझे जीवन जीना था, आपके सामने आपके दर्शन करने थे। तो इस तरह मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रह के जब घर आया तो मैंने इस डायबिटीज को 1.5 साल सफर किया है और जैसे डॉक्टर डाइटिशियन ने मुझे बताया था मैंने ऑनेस्टली इसको फॉलो किया, पार्क भी किया, डाइट भी बिल्कुल लूखी सूखी जैसा उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मैं हार चुका था अपने जीवन से कि 2 से 2.5 साल में ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोगों को देखता था जो मेरे साथ रिटायर हुए थे, काफी लोग जा चुके थे, कोई हार्ट प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ थी, मतलब लाइफ अजीब हो जाती है रिटायरमेंट के बाद, ये मैं फील कर सकता हूँ। अब मुझे मसीहा की तरह जब मैं पार्क से घर आता था, हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लगभग आधी 1.5 फरलांग की दूरी पे, तो सैफी मोहम्मद जी का वहां पे हेल्थ सेंटर चल रहा था, डेमो सेंटर ट्यांसी का, मैं इनको नहीं जानता था। एक दिन संडे का दिन था, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी इनके गेट से बाहर निकली हुई थी, वहां मेडिकल एक्टिविटीज हो रही थी, BMS डॉक्टर थे, लैब थी और पता नहीं क्या क्या, मतलब मेडिकल वो थी, वहां इनका सेंटर भी खुल रहा था, चल रहा था। तो मैंने किसी से पूछा लाइन में लगे, मैं जैसे जैसे वहां पहुंचा चला नहीं जाता था रियली मेरे से, मतलब ये पोजिशन थी, मैंने स्विच भी ऑन कराना है पंखे का या AC का, तो अपने मुद्दे को बोलना पड़ता था बेटा इसको जरा ऑन कर दो या ऑफ कर दो, ये मेरी हालत थी उस वक्त। मैं 59+ में 70 का दिखाई देता था, लोग मेरे बाबा कहते थे बाबा हट जाओ, मैंने पार्क में आगे जाना तो बड़ा फील होता था। अब ये जब मैं निकल रहा था तो मैंने पूछा भैया किसकी लाइन है, बोले थी कोई डॉक्टर साहब हैं और बिना किसी उसके ब्लड निकाले तो चेकअप करते हैं वो और सारी बीमारी को बता देते हैं, ऐसा कौन सा होता है, हम भी देखते हैं। तो मैं वहाँ लाइन में लगा, मेरा 30वां नंबर था, मेरे आगे एक दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर लाठी वहाँ खड़े हुए थे भारी भरकम, तो उन्होंने कहा बाबा ये आप एक प्रयोगपॉर्टमेंट लगा रहे हैं एक आदमी पे 15-20 मिनट लगा है। तो उन्होंने वो पुलिस वाले अंदाज में जाके इनको बोला कि बुजुर्ग है और ज़्यादा परेशान है, एक बार उनको देख लो, तो वो कंपर के ही ले गए मुझे, तो इन्होंने मुझे अटेंड कर लिया। मैं अपनी बीती सुना रहा हूँ आपको कि आज मैं यहाँ कैसे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, आज तो खैर सारा कुछ है ज्ञानसी की वजह से, लेकिन मैं अपनी जीवनी बता रहा हूँ कि मुझे जीवन दिया है ज्ञानसी ने। तो जब इन सबसे सैफी जी के पास पहुंचा तो इन्होंने रेस आउट कर रहा हूँ मेरे ये हार्ट में टेस्टिंग करके, मेरी बीमारियां तो इतनी थी कि जहाँ भी ये मतलब एक्यूलाइट बता रहे थे वहीं मैं हाथ बता रहा था, इनके डॉलर ने मेरा हाथ पकड़ के टेस्टिंग कराई थी। तो इन्होंने साउथ में कहा कि शर्मा सर ये डायबिटीज एक है आपका, एक आपका ये गंदा नहीं होता, मतलब फ्रोजन है सोल्जर, तो वाकई में ये नहीं होता डायबिटीज। दूसरा पता नहीं कैसे मैंने कहा ये कोई आपको जोशी है या कोई बहुत बड़ी चमत्कारी है, कहते आप टैबलेट भी लेके आए, दूसरा पॉइंट आपका कम बोल रहा है, डायबिटीज के कोई 2 पॉइंट होते हैं। मैं कहती बिल्कुल, तो सुबह ही लेता हूँ खाना खाने से पहले और प्रेस होने के बाद,
भैया एक बात बताओ, ये सारा कुछ तो ठीक बता दिया आपने, मैं ठीक ही हो जाऊंगा। उस समय मेरी क्वेश्चन थी, भाई साहब मरता क्या नहीं करता, सब पे विश्वास करना पड़ रहा था, मेडिकल साइंस से मेरा विश्वास हो चुका था, क्योंकि जिस एमडी डॉक्टर को मैं दिखा रहा था उस इतने बड़े हॉस्पिटल का माना हुआ डॉक्टर था मिस्टर दुबे, और वो 1.5 साल से मुझे इंसुलिन लैंटस नाम का पेन डेली मेरे रात को 9 बजे मेरे पेट के अंदर जाता था, और मुझे इतनी पेनफुल लाइफ होती। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैं ठीक हो जाऊंगा। सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन्होंने पता नहीं किस तरह मुझे इतना बड़ा विश्वास दिलाया कि शर्मा जी मैं गारंटी लेता हूँ 6 महीने के अंदर अंदर जड़ से खत्म कर दूंगा ट्यूबर को। तो ये बात मेरे दिल और दिमाग के अंदर बैठ गई, ईश्वर की कृपा ऐसी थी, मुझे हो गया विश्वास इसके ऊपर। इन्होंने जैसे मुझे कहा, मैं डेली वहां पे आने लगा। पहले ही दिन उन्होंने 40 मिनट मेरे ऊपर लगाए और मैंने वो थेरेपी की, और उसके बाद ये जो मेरे गले की जो प्रॉब्लम थी इन्होंने वो आत्मा से वो शुरुआत की, उससे कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मिला। लेकिन मुझे BCM करने के बाद ऐसा लगा जो मेरे से चला नहीं जाता था, उस दिन जैसे मेरे पैरों में स्प्रिंग लग गए हैं। तो मैं जब आया था तो अपनी मैडम को कहा, मैंने आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी अच्छी जगह मिल गई, और ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों 7 दिन के बाद मेरी एक स्कूटी खड़ी थी बेचारी 8 महीने से मेरे घर में, 7 महीने के बाद मेरी हिम्मत हुई कि आज मैं इसको निकालूँ। तो मेरे स्टैंड से उतारने की भी उसको हिम्मत नहीं होती थी, मैंने उतार के उसको अपनी मिसेज को भी बैठा के और 2 राउंड यमुना विहार के लिए, केवल ट्रायल के लिए, कोई काम नहीं था। और मैं बिल्कुल उस दिन से मुझे कॉन्फिडेंस बन गया, मैंने कहा अब बताओ मुझे करना क्या है, कहते आप रेगुलर यहाँ आते रहो। फिर उल्टा मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे शाम को भी बुला दो, ये केवल दिन दिन में खोलते थे सुबह में। शाम को जो लेडीज का इनका रूम था वो रिक्वेस्ट पे इन्होंने खोल दिया। हम लोग जुनून और पागलपन की तरह मियाँ और बीवी, उनको बैक प्रॉब्लम थी पानी की, तो हम दोनों सुबह शाम गर्म पानी लागे करते रहिए, BCM और ये सब दोस्तों सॉल्व कर रहा हूँ। 2 महीने 27 दिन के बाद जो मेरा 14.80 HbA1c था, जब मैंने टेस्ट कराया, इनसे पूछा करा लूँ, कहते मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, ये तो मेडिकल लाइन की बातें हैं, आप कराइए टॉक्सिन, मैंने वो टाइम पूरा हो गया, 3 महीने के अंदर होता है वो टेस्ट। तो दोस्तों जो मैंने टेस्ट कराया और मेरे जैसा बेवकूफ़ आदमी क्या करता था, यहाँ लाल लैब पे पहले कलेक्शन दे के आया, 10 मिनट के बाद दूसरी लैब पे भी जाके कलेक्शन दे दिया, गलत ना निकला है।